मंच पे बैठे हुए और मंच के उस तरफ बैठे हुए सभी गेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेस के दो दोस्त, सभी का स्वागत है। जो खुशी की बात हम शेयर करना चाह रहे थे आप लोगों से वो ऑलरेडी दिवस मिश्रा ने शेयर कर दिया है। दरअसल आज बड़ा ही ऑस्पिशियस डे है और मेरे ख्याल से कल भी रहेगा, अक्षय तृतीय है और रमजान है। इन दोनों के आगमन से हमारे लिए ग्रोथ के रास्ते और भी खुल जाते हैं। दरअसल हमने सफ़र शुरू किया था 2005 में और ये सफ़र इतना आसान नहीं रहा, बहुत चैलेंजेस रहे हमारे साथ, इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस बहुत थे। उसके बावजूद लोगों का सहयोग रहा, दोस्तों का सहयोग रहा, वेल विशर्स का सहयोग रहा और आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि जहाँ पे हमारे नए सेंटर्स आए दिन आ रहे हैं और हो सकता है कि इसी साल एक दो सेंटर्स और भी आ जाएं। आप लोगों की दुआएं अगर रहे तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं ये कहूँगा कि जो सफ़र हमने शुरू किया है 2005, बड़ी खुशी की बात यह थी कि एक छोटे शहर से बड़े शहर में एक ब्रांड का जाना ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट था। नॉर्मली अदरवाइज होता है कि बॉम्बे से या बड़े शहरों से छोटे शहरों में ब्रांड्स आते हैं, लेकिन हमने कोशिश किया कि इस ब्रांड को हम वहाँ तक पहुँचाएँ और आने वाले दिनों में भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इस साल फैशन स्टाइलिंग एक ऐसा कोर्स है जो नागपुर में है ही नहीं और हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर ओएस वो शायद इस पर ज़्यादा डिटेलिंग आपको बताएंगे कि क्या चीज़ है ये। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो ये जो नया सेंटर बन रहा है ये भी बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और ख़ास तौर पर वेस्टर्न नागपुर जहाँ पर बहुत ज़रूरत थी IIT सेंटर की, तो यहाँ पे यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी आया करते थे हमारे पास एक ज़माने में और आज भी आते हैं, उनके लिए एक बड़ा फ़ायदे का मकाम रहेगा ये। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप सबका फिर से एक बार वेलकम करता हूँ और कोशिश ये करेंगे कि हम जल्द से जल्द इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि बहुत सारे प्रेस के लोग हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। तो होपफुली आई विल गिव इट टू देवेश्मिता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। IIT धर्मपेट सेंटर, जैसे सर ने आपको बताया काफ़ी टाइम से हम वेस्टर्न नागपुर